हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड पॉकेट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैरी गोल्ड बिस्किट से गुलाब जामुन। मैरी गोल्ड बिस्किट से बनी ये गुलाब जामुन मुझे लग रहा है आपको अच्छी लगेगी और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले फिर बनाने चले। फिर गुलाब जामुन बनाने के लिए मैं यहाँ पर मैरी गोल्ड जो बिस्किट्स है ना एक पैकेट में ले ली हूँ। इसको हम छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर लेंगे पहले और उसको फिर मैं ग्राइंडिंग जार में लेके अच्छी तरह फाइन पेस्ट बनाऊंगी इसकी। मतलब पानी नहीं देनी है, ओनली ग्राइंडिंग करनी है। ओके, ये देखिए हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं अभी 1 कप जो हमने मैरी गोल्ड बिस्किट्स के जो ग्राइंडिंग बनाए थे ना, इसको एक याद रखना फाइन बनानी है। थोड़ा सा भी इसकी कुछ भी नहीं रहना चाहिए, आप छान लीजिएगा अच्छी तरह, नहीं तो फटने का डर होता है ना गुलाब जामुन। तो ये मैं इसमें 1 कप ले रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप डेसिकेटेड जो कोकोनट होती है ना, नारियल की बुरादा, और उसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 कप। और उसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क, हमें चाहिए इसके लिए मिल्क गूंदने के लिए। ओके, तो मैं मिल्क ले रही हूँ 1/4 कप, लेकिन हमें जितनी चाहिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हम उतनी जितनी चाहिए उतनी यूज करेंगे। और इसमें हम मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी मीठा सोडा होता है ना, 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं। ओके, और इसमें इसको हम अभी अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और इसमें ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम मिल्क डालेंगे और एक अच्छी सी डो बनाएंगे। और देखना है कि हमें ज़्यादा वो गीला भी ना हो, मतलब पतला ना हो, ठीक सा बनाएंगे जैसे हमारी गुलाब जामुन की होती है ना उस टाइप में। ये मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मिल्क। और अच्छा एक डो बनाऊंगी। ओके, ये देखिए हमारी डो बनके तैयार हो गए। अभी मैं ना चाशनी, इसके लिए चाशनी पहले बना लेती हूँ और इसको छोटे छोटे हम तब तक ये थोड़ा रेस्ट इसको मिल जाएगा, छोटे छोटे बॉल्स हम गुलाब जामुन के बना लेंगे। ये देखिए चाशनी बनाने के लिए मैं 1.5 कप, ये 1 कप और ये 1/2 कप, 1.5 कप मैं शुगर ली हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप वाटर और इसको हम अभी अच्छी तरह उबलने देंगे। ये देखिए जब तक हमारी चाशनी रेडी हो रही है हम इसको अभी छोटे छोटे गुलाब जामुन की बल्ब, पहले ना हम एक काम करेंगे, हाथ में ना ऐसे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे हाथों को, फिर छोटे छोटे हमें गुलाब जामुन की बॉल्स बनानी है। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह, ऐसे सारे गुलाब जामुन की बल्स बना के हम रख लेंगे। ये देखिए हमारी सारे गुलाब जामुन की ये बल्स बनके तैयार हो गए। मैं अभी इसे फ्राई करने जा रही हूँ। ओके, फ्राई करते हैं इसको अभी लेके। ये देखिए चाशनी हमारी हो गई है। मैं इसमें डाल रही हूँ क्रश किया हुआ इलायची और इसमें मैं ना थोड़ी सी केसर डाल रही हूँ, कलर और खुशबू इसकी अच्छी आएगी। ये देखिए ये हमारी ऐसे हो गई है, क्योंकि गुलाब जामुन के लिए ना हमें ज़्यादा थिक चाशनी नहीं चाहिए। तो ये हमारी ऐसे हो गई है, अभी मैं इसे गुलाब जामुन फ्राई करके इसमें डालती हूँ। ये देखिए ऑयल उबल गया है, अभी मैं ना धीरे धीरे बॉल्स सारे जो भी है ना गुलाब जामुन की मैं धीरे धीरे उसमें छोड़ रही हूँ। हमें इतनी ध्यान रखनी है कि
कि हम ये जो अभी उबाल रहे हैं ना, इसे थोड़ा सा ना इसको फ्राई करेंगे अभी। तो हम ना इसके इस बॉल्स को कुछ नहीं करेंगे, हम ऑयल को ही ना ऐसे ऐसे करते रहेंगे, तो वो धीरे 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 उसके ऊपर जब जाएगा वो फ्राई होने लगे, अच्छी तरह ना फ्राई हो जाएगा। फिर ये देखिए, पहले आप तेज आंच में करनी है हमें फुल फ्लेम पे, फिर हमें सिम कर देनी है। ये देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन होगी ना, तो हम इसे ना अभी निकाल देंगे। ओके, फिर चाशनी में डालेंगे। चाशनी में भी साथ साथ डाल रही हूँ गरम गरम, जितना वो सोक कर लेगा बाद में फिर हम थोड़ा सा चाशनी को गरम कर लेंगे तो और भी ज़्यादा सोक कर लेगा चाशनी। ये देखिए ये जो कढ़ाई में मैंने डाला है ना, आप देख सकते हैं चाशनी के साथ है ना, तो मैं इसके नीचे एक ना रखी हूँ तावा रखी हूँ रोटी बनाने वाला, और नीचे मैंने फुल फ्लेम पे गैस को रखी हूँ, तो ये ना इसी तरह उबलेगा जैसे ये है ना, तो ये आराम से ये अच्छी तरह चाशनी को हम पकने के लिए थोड़ा सा देंगे ना, तो ये जो चाशनी है गुलाब जामुन के अंदर चला जाएगा। डायरेक्ट कढ़ाई को मत बिठाइएगा, ऐसे करिएगा तो ये इजीली अंदर चला जाएगा। थोड़ा सा उबल आने तक हम इसे गर्म करेंगे और इसको ढक देंगे अभी। ये चाशनी ऐसे उबल गया है ना, कितना अच्छा लग रहा है, वो थोड़ा साइज में बड़ा भी हो गया है। ये देखिए हमारी मैरीगोल्ड बिस्किट्स की गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं, और मैंने इसको थोड़ी सी पिस्ता बादाम से मैं इसको गार्निश कर दी हूँ, और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।